बट इसके थ्रू मैं जो भी आपका ये वीडियो देखे उनको मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि इस तरह से क्विक ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में लोग ना फंसे, लोग जागरूक हुए। अगर कोई भी उन्हें फ़ोन करके कह रहा है कि लोन ले लीजिए, ये तुरंत उनकी बातों पे विश्वास ना करें। अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग अवेयरनेस कैंपेन्स के थ्रू भी हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, न्यूज़ फोर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ अनिल। बिहार में लगातार साइबर अपराधियों का खेल जारी है और इसी कड़ी में अगर बात करें तो पटना के पत्रकार नगर से साइबर अपराध में जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से भारी मात्रा में बात करें तो कैश लगभग 10 लाख रुपए और 11 एटीएम कार्ड बरामद हुआ है। दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना सदर ASP काम्या मिश्रा साफ तौर पर बता रही हैं कि इस मामले की अगर बात करें तो ये लोग लगातार 2 सालों से पटना के अलग अलग जगहों पर एक्टिव मोड में नजर आते थे और साइबर फ्रॉड का शिकार बनाकर लोगों से भारी मात्रा में ठगी का शिकार लोगों को बनाकर गायब हो जाते थे। इस मामले की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने गश्ती के दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया जिसके पास से लगभग 4 लाख रुपए बरामद होते हैं। वहीं कड़ी पूछताछ में इन्होंने अपने 3 अन्य साथियों का भी जिक्र किया जिसे पत्रकार नगर की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है और इनके पास से कुल लगभग 10 लाख रुपए और 11 ATM कार्ड बरामद किए हैं। आइए सीधे सुन बातें इस पूरे मामले पर क्या कुछ करी है पटना के सदर ASP काम्या मिश्रा। जैसे कि ये हर चीज़ का कमीशन लेते हैं, अगर ये इतना पैसा निकासी करते हैं तो उनके उस पार्ट का उनको कमीशन मिलता है, उस बेसिस में ये काम करते हैं। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रस्ट नहीं करते हैं, अपने लिमिटेड लोगों को ट्रस्ट करते हैं, उसी बेसिस में काम करते हैं। कमीशन बेस क्या? जैसे कि अगर उनको उनके इतने पैसे की निकासी करने के लिए उनको बोला गया इस अकाउंट में, तो उतने में से उनको कुछ हिस्सा उस पैसे का वो अपने पास रख पाएंगे। उस साथ में इन्होंने बताया कि ये पटना ही तक सीमित थे या फिर अन्य राज्यों में भी इनका नेटवर्क था। जैसे कि ये जिन लोगों से ये पैसे ठगी करते हैं वो अन्य राज्य के भी लोग हैं, पर जैसे कि जो ये ऑपरेशन जो यहाँ से कर रहे हैं, जो इस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं, वो यहीं के लोग हैं, यही लोग पर है। बट इसके थ्रू मैं जो भी आपका ये वीडियो देखे उनको मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि इस तरह से क्विक ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में लोग ना फंसे, लोग जागरूक हुए। अगर कोई भी उन्हें फ़ोन करके कह रहा है कि लोन ले लीजिए, ये तुरंत उनकी बातों पे विश्वास ना करें। अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग अवेयरनेस कैंपेन्स के थ्रू भी हम लोगों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ ग्रीड के चक्कर में जो है लोग मान जाते हैं, इनके बातों में फंस जाते हैं। लोग वैसा ना करें कुछ भी इस तरह के पैसे ट्रांसफ़र करने में, अगर उनको थोड़ा सा भी संदिग्ध महसूस हो रहा है तो प्लीज ऐसे चीजों में लोग ना पड़े और अवेयरनेस के साथ काम लें। थैंक यू। जाहिर सी बात है, जिस तरह से बात करें तो लगातार साइबर अपराधियों का जाल पटना सहित अन्य जिलों में भी जारी है। वहीं पुलिस की कार्रवाई भी लगातार देखी जा रही है और साइबर अपराधी कहीं ना कहीं पुलिस के हत्थे चढ़ते भी नजर आ रहे हैं। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।